विजयनगर के गौरव हैं और मैं आपकी कृपा से गौरवशाली व्यापारी। मेरे सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है महाराज, जो ना तो तोल में आ रही ना मोल में। मैं एक व्यापारी हूँ तोल मोल के। व्यापारी महोदय, तोल मोल बाजार में कीजिएगा, यहाँ हमारे महाराज के समक्ष आपकी समस्या निसंकोच होकर साफ और सीधे शब्दों में बताइए। महाराज, साफ और सीधे शब्दों में तो ना तो लाभ होता है ना हानि, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो एक व्यापारी हूँ तोल मोल के। सुनो व्यापारी, हम सब ने सुन लिया कि आप व्यापारी हो। समस्या बताओ। महाराज, मेरी एक हाथ से लेने की तो दूसरे हाथ से देने की प्रवृत्ति है और यही व्यापार का नियम भी है। यदि आप में से कोई मेरी समस्या का समाधान करने का वचन दे तो मैं समस्या दे दूंगा, अर्थात समस्या बता दूंगा तोल मोल के। महाराज, इतने विश्वास से तो वही कह सकता है जो अपनी आधी संपत्ति देने वाला। बिल्कुल दे दूंगा महाराज, जैसे ही किसी ने समस्या का समाधान किया मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। यदि ऐसा है तो समस्या छोड़िए और ये बताइए कि कितने वचन चाहिए आपको। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम इनकी समस्या की गंभीरता को समझ रहे हैं। जी व्यापारी महोदय, वचन शपथ के समान होता है। अब आपकी समस्या जाने बिना कोई भी वचन कैसे दिया जा सकता है? पंडित रामा कृष्णा, इस दौड़ में दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़ा? हाँ घोड़ा, एकमात्र घोड़ा है और वो है स्वयं हम। गुंडा घोड़ा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है गुरुवर? महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम ही हैं वो असली घोड़ा, अर्थात असली खिलाड़ी, जिनके लिए हर चुनौती विजयनगर की गरिमा का प्रश्न होता है। हम इन्हें वचन देते हैं महाराज कि हम इनके समाधान को समस्या में बदल लेंगे। अरे गुरुजी, ये क्या कह दिया, समस्या को समाधान में? हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी हर समस्या का समाधान हमारे ही पास है। चलिए अपनी समस्या का श्री गणेश कीजिए। अरे भाई, अपनी समस्या बताइए। महाराज, मेरी एक ही संतान है। तो संतान समस्या है? नहीं नहीं, मेरी संतान का विवाह। तो विवाह समस्या है? नहीं महाराज, मेरी संतान को विवाह हेतु योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है। विवाह योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा तो संतान बदल दो। क्या मतलब? अब हमारा कहने का आशय है संतान को बदल दो, अपनी संतान में विवाह योग्य गुण उत्पन्न करो। आपकी संतान में कोई कमी है, जैसे सुंदर ना होना? सुंदर तो इतनी है कि सुंदरता भी उसके सामने दर्पण है महाराज। तो सारा दिन दर्पण के समक्ष बैठी रहती है। महाराज, ऐसे व्यक्तियों में साक्षरता की कमी पाई जाती है। नहीं तो शिष्टाचार की कमी होगी? बिल्कुल नहीं। अब तुम कहोगे संस्कारों में भी कोई कमी नहीं? नहीं गुरुवर। महाराज, मेरी संतान सुंदरता, शिष्टाचार, संस्कार सब में निपुण है। अच्छा, कब मिलवा रही? परंतु क्यों नहीं, जब हम उनसे मिलेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कितना योग्य जीवन साथी चाहिए उन्हें। परंतु व्यापारी महोदय, आप जिसके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उसे साथ लाए भी हैं या नहीं? हाँ। क्यों नहीं पंडित रामाकृष्ण जी, व्यापारी हूं तोल मोल के। पुत्र? पुत्र? गुरु जी, ये व्यापारी तो दरबार में अपने पुत्र को बुला रहा है। अरे मूर्खो, तुम्हें कभी पिता का प्रेम मिला हो तभी तो याद हो। देखो, कभी कभी पिता स्नेह पूर्वक अपनी पुत्री को पुत्र कहकर पुकारते हैं। पुत्र अंदर आओ। महाराज को प्रणाम। जी, आपके साथ तो छल हुआ है, वर्णन किसी और का, दर्शन किसी और के। तो व्यापारी, ये है आपकी स्वर्ग के फूलों जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी पुत्री? पुत्री नहीं,
पुत्र। तो पुत्री को बुलाइए ना जिसके विषय में बात कर रहे थे। आपने पुत्री समझा था, हमने तो संतान कहा था। यही तो है मेरी सुशील संतान कमल राम, जिसके लिए आपने योग्य जीवन साथी ढूंढने का वचन दिया। वचन? कौन सा वचन? हमने कौन सा वचन दिया? हम तो आपको जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं हम आपसे। गुरुवर, यही भरी सभा में सबके सामने, जिसके बदले मैंने अपनी आधी संपत्ति देने का वचन दिया था आपको, याद आया आपको गुरुवर? हाँ हाँ हाँ, वो वचन, हाँ वो तो हमने दिया था। गुरुवर, अब आप ही का सहारा है। व्यापारी, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। और वचन का क्या? अब देखो व्यापारी, जब आप दरबार में आए तो हमने देखा आप चिंतित थे कि नहीं, तो हमने आपको चिंतित देखा, हमें आप पर दया आई, तो हमने आपको वचन दे दिया। और हमने जो वचन दिया था आपकी पुत्री के लिए दिया था कि नहीं? अब यदि तुमने पुत्री के लिए दिए गए वचन को पुत्र के लिए आग्रह किया तो हम क्या कर सकते हैं? व्यापारी महोदय, पहले आप ये बताएं कि आपके पुत्र ने युवती के वस्त्र क्यों धारण किए? उसमें भी मेरी गलती है महाराज, मैं व्यापार में व्यस्त रहता था, मेरी अनुपस्थिति में मेरी धर्मपत्नी ने पुत्री की चाह में पुत्र को पुत्री की तरह लालन पालन किया, उसे लड़कियों के वस्त्र पहनाए, उसे लड़कियों की तरह सजना सवरना सिखाया। अब जब खिलवाड़ करोगे प्रकृति से तभी तो मिलोगे ऐसी नियति से। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इनके लालन पालन में ही दोष है। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आज जब कमल राव बड़ा हो चुका है, पर आज भी ये पड़ोसी की पुत्री की देखा देखी वैसे ही कपड़े पहनता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए महाराज। समाधान की आवश्यकता नहीं है व्यापारी, बस तुम्हें भूलने की आवश्यकता है, ये कमल राव के विवाह के विषय में भूलने की। महाराज, ये कैसा समाधान हुआ? अब जैसी समस्या वैसा समाधान। महाराज, परवरिश के समय जो बीज बोया जाता है व्यक्तित्व का वृक्ष बड़े होकर वैसा ही होता है। पंडित रामकृष्ण जी महाराज, इसका कोई अन्य समाधान आपको दिखाई दे रहा है? महाराज, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही, तो समाधान कैसा? अर्थात? महाराज, इस बात का विषय ये है कि कमल राव की स्त्रियों के भांति वस्त्र धारण करने की, सजने सवरने की और श्रृंगार करने की प्रवृत्ति हो गई है, और अब इनकी ये प्रवृत्ति इनकी इच्छा का रूप धारण कर रही है। पंडित रामा जी, इसका यही आचरण रहा तो कौन कन्या इसे विवाह करेगी? व्यापारी महोदय, आपने कहा था कि ये आपकी पड़ोसी की पुत्री की तरह वस्त्र धारण करते हैं। जी हाँ। कमल राव, आप ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारी सबसे अच्छी सहेली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे वस्त्रों का चुनाव भी करती है। पंडित रामकृष्ण जी, हमें वो और उनके चुनाव दोनों ही बेहद पसंद है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पड़ोसी की पुत्री को आप पसंद करते हैं? हाँ। क्या वो भी आपको पसंद करती है? जी हाँ, हमसे भी अधिक। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। जी बिल्कुल। तो जी, प्रतीत होता है कि आधी संपत्ति पंडित रामकृष्ण को मिलने वाली है, और वो समाधान मिल गया। मिल गया, समाधान मिल गया, समाधान मिल गया महाराज, समाधान मिल गया। आपका लड़का पड़ोसी की लड़की, दोनों एक दूसरे के लिए उत्तम जीवन साथी हैं, दोनों का विवाह करवा दीजिए। आप उनके पड़ोसी, वो आपके पड़ोसी, बन जाइए एक दूसरे के समधी। परंतु गुरुजी, उनके और हमारे मध्य में काफी मोल तोल है। जो आपका अर्थ है दहेज? नहीं नहीं गुरुवर, व्यापारी महाशय सज्जन पुरुष है, वो कदापि दहेज जैसी कुरीतियों पर विश्वास नहीं कर सकते। इनका अर्थ है आर्थिक स्तर।
व्यापारी महोदय, आप संबंधों में व्यापार मिश्रित मत कीजिए ना, अन्यथा आपके पुत्र की खुशियां उससे छिन जाएंगी। अब आप निर्णय लीजिए कि आप अपने पुत्र की खुशियां चाहते हैं या नहीं। पंडित रामाकृष्णा, मुझे अपने पुत्र की खुशियां सबसे प्रिय है, तोल मोल के। हो गई संतुष्टि, अब कीजिए अपने वचन की पुष्टि, बनाइए अपने पुत्र को पड़ोसन युवती का पति और दीजिए हमें अपनी आधी संपत्ति। क्यों नहीं गुरुवर, मैं अपने वचन पर कायम हूँ। महाराज, समस्या का समाधान पंडित रामाकृष्ण ने दिया है तो मैं अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं व्यापारी हूँ तोल मोल के। महाराज देखिए, देखिए, देखिए महाराज, आपके समक्ष हमारे साथ छल हो रहा है। महाराज देखिए, ये अच्छी बात नहीं है महाराज। नहीं गुरुवर, महोदय बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं। समस्या का समाधान पंडित रामकृष्ण ने ही ढूंढा है। महाराज, मैंने कोई समाधान नहीं दिया, समाधान तो इनके पास ही था। जो भी इन्होंने बताया मैंने वापस इन्हें ही लौटा दिया। हाँ, अपने कुछ शब्द अवश्य मिला दिए जिससे कि कमल राव, जो कि अपने जीवन साथी से मिला करते थे, अब सदा के लिए मिल जाए। व्यापारी महाशय, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उसे आप अपने पास ही रखें। मूर्ख, हाथ आई लक्ष्मी जाने की। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा, धन्यवाद गुरुजी। अपना धन्यवाद अपने पास रखिए, और हाँ, कम से कम अपनी पुत्र की संतान को अच्छी परवरिश दीजिएगा, तोल मोल की, समझे? जी, उचित कथन है आपका गुरुवर। एक शिशु की परवरिश उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को निर्धारित करता है। जी महाराज। सबको निशुल्क सलाह बताने वाले रामा, सुनी महाराज की सलाह। तुझे सुनिश्चित करना होगा कि तेरी संतान की परवरिश कैसी हो। हाँ बंधु, पता नहीं मेरी होने वाली संतान को अम्मा और शारदा कैसी परवरिश दे रही होंगी। हम अपनी सारी नई साड़ियाँ दांव पर लगाते हैं, हम भी अपने सारे लड्डू दांव पर लगाते हैं। कोई शारदा को हल्के में नहीं ले सकता। हम अपने सारे आभूषण दांव पर लगाते हैं। जितना कोई सोच भी नहीं सकता उससे अधिक जोखिम जीतने के लिए मैं चुटकी बजा कर उठा सकती हूँ। मैं अपने प्राण से भी प्रिय अपनी लाठी दांव पर लगाती हूँ। हे माँ, इन लोगों ने तो मेरी शंका सच में परिवर्तित कर दी। अब हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। उठा लो क्या अपनी घंटियां, उठा लो और हमारी ओर से दांव पर लगा दो। शारदा, तुम मेरी दंतियां कितने दांव पर लगा सकती हो? ऐसे? तुमने सुना नहीं महाभारत में युधिष्ठिर ने क्या क्या दांव पर लगा दिया था? सही सही उदाहरण दिया, सही उदाहरण दिया। अब उनकी गलतियों से कुछ सीखो और उसे दोहराओ मत। ओ अम्मा, तुम दोनों जो खेल रही हो ना, उसे कहते हैं चौसर, और जो कर देता है सब कुछ चौपट। खेल का आनंद खराब मत करो, ये सलाह जाकर दरबार में दो जहाँ से आपको वेतन मिलता है। रामा, हमारे खेल में टांग मत अड़ा, अन्यथा मैं तुझे भी दांव पर लगा दूंगी। ऐसा हमने अम्मा कह रही हैं। हाँ पता है पता है। ओ अम्मेश्वरी, दांव पर तो मेरे होने वाली संतान का भविष्य लगा है। ऐसी शिक्षा
ऐसी परवरिश? शिव 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 शिव। रामा ध्यान रहे, मैंने लाठी केवल दाव पर लगाई है, अभी तक हारी नहीं है। अगर तू बीच में बोला तो ये लाठी तुझ पर चलाऊंगी। बचा दंतिया मिली। जय माँ भवानी, जीतेगी शारदा रानी। जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरा वार न जाए खाली। अच्छा हुआ, देखा अम्मा, माँ भी ऐसे खेल में किसी का साथ नहीं देती। हाँ, परंतु देवी माँ ने हमारा तो साथ दिया ना, हम अम्मा की लाठी और लड्डू दोनों जीत गए। ये तो छल है। खाओ खाओ, देखा अम्मा, इतनी सुशील है मेरी संतान, कितने प्रेम से लड्डू खा रही है। चोर चोर मेरे लड्डू चुराए। मैंने कब चोरी की? आप क्या सोचते हैं कि एक एक करके मेरे बूंदी खाते हो तो मुझे पता भी नहीं चलता चोर कहीं के। देखो तो अपने पिता को चोर बोल रहा है। रुक, तुझे बताता हूँ। इससे पहले बाहर वाले बोले मेरा पिता चोर है और बात दूर तक जाए, अब ये गंदी आदत आपसे दूर कर देता हूँ। ए, ए, अम्मा, अरे क्या कर रहे हैं, अपने पिता को मारेगा। अरे छोड़, लाठी छोड़। ना बुरा सपना देखा? अपना आने वाला कल देखा अम्मा, जो बहुत ही पीड़ादायक है। चिंता मत कर, सपने देखकर तो तू बचपन में भी डर जाता था। अब ये बता, तूने क्या देखा? ओ अम्मा, मैंने क्या देखा वो छोड़ो, ये बताओ तुम बात बात पर मुझे लाठी क्यों दिखाती हो? मेरी होने वाली संतान पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे मुझे तो लगता है तुम दोनों की संगति खराब है। हाँ लामा, तूने तत का इन दोनों की तंगत तला दे। हाँ। तो चिंता मत कर लामा, लेकिन मेरी तंगत बहुत ही अति है, मैं अपने मित्र की संतान को तब कुछ दिखा दूंगा। शांत मन और शांत वातावरण में की जाती है ये घंटियां बजाकर माँ की नींद मत खराब करो। ये घंटियां मेरे हाथ में अच्छी लगती है। अब क्या देखा? भविष्य का एक और डरावना रूप। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बदलना ही होगा। हाँ, ईश्वर, मुझे मेरी संतान को बुरी संगत से दूर रखना होगा। हाँ, वो तुम दोनों से नहीं, अभी तू हर बुरी चीज और आदत से दूर रखना चाहता हूँ। ओ शारदा महोदया, तुम ये चौसर बौसर मत खेला करो, भगवान का नाम लिया करो भगवान का। क्यों, उससे क्या होगा? उसे उस पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छी शिक्षा अच्छी परवरिश मिलेगी। परंतु वो तो अभी हमारे पेट में है, बाहर क्या हो रहा है उसे क्या पता। ओह, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? पता है नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही श्री नारायण की महिमा सुना दी थी, इसलिए वो पैदा नारायण भक्त ही हुए थे, समझी? उसे सब पता है, वो सब कुछ देख और सुन रहा है और समझ भी रहा है। संतान माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीखने और समझने लगती है शारदा। कुछ
संभवतः आप सही कह रहे हैं। है ना मैं संभवतः नहीं पक्का सही बोल रहा हूँ। अर्थात अब हम जो सुन रहे हैं वो हमारी संतान भी सुन रही है। हाँ, ताकि गर्भ में ही उसे अच्छी शिक्षा मिलने लगे। अम्मा हमारे घर के सभी ग्रंथ और वेद पुस्तिकाएं कहाँ हैं? बाहर निकालो। तुझे ही निकालना होगा, बाकी पुराने सामान के साथ पड़ा होगा छत पे या छज्जे पर। हे, छज्जे पर? हे माँ, पंडित के घर में पुस्तकों की ऐसी हालत, मेरे आने वाले बच्चे की रक्षा करना माँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.